आज खास दिन है महिला दिवस, तो कल हम लोगों ने विधायक दल के बैठक में तय किया था कि राष्ट्रीय जनता दल की जितनी भी महिला विधायक हैं, वो आज सदन में सिर्फ उन्हीं को बोलने का मौका दिया जाएगा। कोई पुरुष जो है राष्ट्रीय जनता दल के समय में नहीं, बल्कि जो महिलाएं हैं, जो विधायक हैं, केवल उनको समय दिया जाएगा। तो आज 2 बजे से सभी महिला विधायकों का, क्योंकि आज सिंचाई विभाग पे चर्चा है, कृषि विभाग पे चर्चा है, तो उन सारी महिलाएं जो है महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट पे अपना पक्ष रखेंगी। तो उनका शर्त था कि जब वो बोले तो हम वहाँ सदन में, हाउस में रहे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि महिलाएं जो है लड़ाकू विमान भी चला पाए। आज हमें गर्व है कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो हैं, फाइटर प्लेन भी चलाने लगी हैं। चाहे आईटी सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, बिजनेस हो, कितनी महिलाएं बिजनेस की, कलाकार में भी अब दिख रही हैं महिलाएं आगे। हर जगह कोई ऐसा क्षेत्र ना हो, चाहे राजनीति की बात करें तो राजनीति भी बढ़ चढ़ करके कई महिला, और हमारी माता तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रही, सब लोग जानते हैं। और हमारे घर में तो मेरी 7 बहनें हैं। अगर हम कहें हमारा घर में नहीं चलता है, केवल महिलाएं बहनों के ही चलता है, डोमिनेंट जो है हमारी बहनें हैं हमारे घर में, घर गृहस्थी से लेकर के सारा चीज, घर की चीजों का जो भी निर्णय लेना होता है उसमें हम लोग पीछे रहते हैं। लेकिन बढ़ चढ़ करके, चाहे बाहर का काम हो या घर का काम हो, आजकल की महिलाएं किसी से कम नहीं। ऐसी एजेंसियां हैं जिसकी रिपोर्ट के जरिए बिहार की महिलाओं पर सबसे ज्यादा जो है अपराध बढ़ा है। यही बिहार की धरती है जहां हम लोगों ने बालिका गृह, इतना घिनौना काम हम लोगों ने देखा, और उस बालिका गृह में बच्चियों के इंसाफ के लिए हम और हमारी पार्टी, हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर तक जाकर के हम लोग लड़े। लगातार सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी ये सरकार जो है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय शिव चंद्र राम जी, भूषण पटेल साहब जी, श्याम रजक साहब जी, तनवीर हसन साहब जी, शिव चंद्र राम जी, हमारे नेता पासवान जी, और महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा, और सभी महिला कोने कोने से, बिहार के जिला से आए हुए सभी पदाधिकारी, नेत्री, माताएं, बहनें, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का दिल से स्वागत करता हूं, और आप लोगों को दिल से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी लोगों को बधाई देता हूं। और इस मंच के माध्यम से सिर्फ आप ही लोगों को नहीं, बल्कि बिहार की और देश की जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, सभी लोगों को दिल से हम शुभकामनाएं देते हैं, और हमारी पूरी पूरा समर्थन उन लोगों को है। और आप सब लोग जान ही नहीं हैं कि बिहार का विधानसभा का बजट सत्र जो है वो चल रहा है। आपकी प्रदेश अध्यक्ष समय लेने आई थी कार्यक्रम को लेकर के, थोड़ा बजट सेशन जब चलता है तो थोड़ा मुश्किल होता है समय लेना, लेकिन आज खास दिन है महिला दिवस। तो कल हम लोगों ने विधायक दल के बैठक में तय किया था कि राष्ट्रीय जनता दल की जितनी भी महिला विधायक हैं, वो आज सदन में सिर्फ
उन्हीं को बोलने का मौका दिया जाएगा। कोई पुरुष जो है राष्ट्रीय जनता दल के समय में नहीं, बल्कि जो महिलाएं हैं, जो विधायक हैं, केवल उनको समय दिया जाएगा। तो आज 2 बजे से सभी महिला विधायकों का, क्योंकि आज सिंचाई विभाग पे चर्चा है, कृषि विभाग पे चर्चा है, तो उन सारी महिलाएं जो है महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट पे अपना पक्ष रखेंगी। तो उनका शर्त था कि जब वो बोले तो हम वहाँ सदन में, हाउस में रहे, तो हमको वहाँ जाना है, उनकी बात को सुनना है। लेकिन इतना तो तय है, आप लोग सब लोग जानती हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं, जो भी काम दिया जाता है बड़े जैसे पुरुष उस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, पूरा करते हैं, तो महिला पीछे नहीं हटती बल्कि आगे ही बढ़ करके, चाहे कोई भी क्षेत्र देख लीजिए आप, कहीं भी आप लोग देख लीजिए, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि महिलाएं जो है लड़ाकू विमान भी चला पाए। आज हमें गर्व है कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो हैं फाइटर प्लेन भी चलाने लगी हैं, चाहे आईटी सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, बिजनेस हो, कितनी महिलाएं बिजनेस की, कलाकार में भी अब दिख रही हैं महिलाएं आगे, हर जगह कोई ऐसा क्षेत्र ना हो। चाहे राजनीति की बात करें तो राजनीति भी बढ़ चढ़ करके कई महिलाएं, और हमारी माता तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रही, सब लोग जानते हैं। और हमारे घर में तो मेरी 7 बहनें हैं, अगर हम कहें हमारा घर में नहीं चलता है, केवल महिलाएं बहनों के ही चलता है, डोमिनेंट जो है हमारी बहनें हैं हमारे घर में, घर गृहस्थी से लेकर के सारा चीज, घर की चीजों का जो भी निर्णय लेना होता है उसमें हम लोग पीछे रहते हैं। लेकिन बढ़ चढ़ करके चाहे बाहर का काम हो या घर का काम हो, आजकल की महिलाएं किसी से कम नहीं। और अब तो आदि शक्ति आप लोग जानते हैं महिलाएं होती, और कहीं भी अगर जो भी जिम्मेवारी दी जाए, हमको लगता है जितना लगन के साथ महिलाएं काम को अंजाम देती है उतना पुरुष नहीं देता। मतलब जैसे चीनी जो है घुल जाता है, नमक जैसे घुल जाता है, वैसे अगर कोई जिम्मेवारी दे दी जाती है तो महिलाएं वैसे ध्यान लगा करके उस काम को जो है अंजाम दिया करती है। तो हम लोगों के पास समय कम है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ, और हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ जो है इसको और बढ़ाने का काम किया, और जो है ब्लॉक लेवल तक, पंचायत लेवल तक इसका संगठन जो है वो तैयार हो, बने, ताकि आज आप सब लोग देखेंगे महिलाओं पे लगातार जो है अत्याचार जो है वो बढ़ता जा, कम नहीं हुआ, बल्कि कई ऐसी एजेंसियां हैं जिसकी रिपोर्ट के जरिए बिहार की महिलाओं पर सबसे ज्यादा जो है अपराध बढ़ा है। यही बिहार की धरती है जहां हम लोगों ने बालिका गृह, इतना घिनौना काम हम लोगों ने देखा, और उस बालिका गृह में बच्चियों के इंसाफ के लिए हम और हमारी पार्टी, हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर तक जाकर के हम लोग लड़े। लगातार सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी ये सरकार जो है सुधरी नहीं। तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि अगर हम लोगों को अपने आवाज को बुलंद करना है तो हम सब लोगों को संगठन जो है वो बढ़ाने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है। तो हम सब लोगों को ज्यादा समय नहीं है, पार्टी के सभी यहाँ वरिष्ठ नेता, सब सतीश पासवान जी, तनवीर साहब, दुष्यंत पटेल जी, शिवचंद्र जी, श्याम रजक जी, शक्ति जी, अपने जगदानंद जी, अपने राष्ट्र उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी, चित्रंजन गगन जी इधर बैठे हैं, इजाज जी बैठे हैं, और हमारे यहाँ
आजाद गांधी जी बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ, और सब लोगों को मिलकर के हमारी पार्टी जब ए टू जेड की जब बात करते हैं तो उसमें केवल जात और धर्म नहीं होना चाहिए, उसमें केवल उम्र का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें महिलाएं भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो जब ए टू जेड, तो तभी बिना महिलाओं को पार्टी में मान सम्मान दिए और प्रतिनिधित्व करना मौका दिए हुए हमारा ए टू जेड की जो कल्पना है वो तो पूरी हो ही नहीं सकती। तो हम तो कोशिश करेंगे कि महिलाओं की भी आने वाले समय में उसी हिसाब से, चाहे पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेवारी हो, संगठन में जिम्मेवारी हो, या चुनाव में भी अगर प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाता है तो महिलाएं जो है बढ़ चढ़ करके चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं। 2015 में 10 टिकट महिलाओं को मिला और 10 की 10 महिला जो है चुनाव जीत करके आई। तो हमारी कोशिश रहेगी कि महिलाओं को भी वहां पर प्रतिनिधित्व का मौका मिले, लेकिन इसके लिए आपको खास तौर पे सिर्फ फोरम पूरा करने से नहीं हो, इसमें आप लोगों को बढ़ चढ़ करके आप लोगों को साबित भी करना पड़ेगा कि आप उसके हकदार हैं, आप उसके काबिल हैं। क्योंकि कोई भी चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है। तो अगर आप में प्रतिभा है, आप काबिल हैं, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि उसका टिकट जो है सुनिश्चित होगा, उसको प्रतिनिधित्व का मौका चाहे संगठन में हो चाहे चुनाव में हो पार्टी जो है देने का काम करती है। लेकिन उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, आपको साबित भी करना पड़ेगा कि आप क्या कर रही हैं, आपको अपनी पहचान भी बनानी पड़ेगी। पहचान बनेगी तभी आप लोग जो है नजर में आएंगे, उसके लिए जनता के सुख दुख में आप लोग भागीदार रहिए, उनकी आवाज़ को उठाइए, पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, हिस्सा ही नहीं बल्कि आगे रहिए। और हम तो कहेंगे, कहीं से भी पहले महिलाओं के लिए कक्ष नहीं था पार्टी ऑफिस में, अब जो है आप तो जानिए विस्तार हम लोगों को करने नहीं दे रहा सरकार, अपना तो विस्तार कर ही रहा है, लेकिन फिर भी कम जगह होते हुए भी हम लोगों ने एक कक्ष जो है छोटा ही सही, लेकिन सबसे नया और सबसे सुंदर कमरा हम कह सकते हैं कि जो है महिलाओं को मिला है, महिला प्रकोष्ठ को मिला है। अब विस्तार हो नहीं पा रहा है, आप तो जानिए, इधर देखिए, इधर मकान है, उधर कोर्ट का जमीन है, इधर बंगलो है, आगे हम बढ़ नहीं सकते। फिर भी जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन आप सब लोग जान रही है कि पार्टी का मेंबरशिप अभियान चल रहा है। आप लोगों से हम इतना ही अपील करेंगे कि मेंबरशिप अभियान में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़े, महिलाओं की भागीदारी। आप तो मेंबर किसी को भी बना सकती हैं, लेकिन आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए वैसी महिला जो पीड़ित समाज से है, शोषित समाज से है, अंतिम पायदान के समाज के हैं, उनको मुख्य धारा में हम लोग कैसे आगे लाएं, वो आप लोग जो है छोड़िए, उस दिशा में काम कीजिए। अभी हमारी JNU की छात्रा भी है प्रियंका भारती, अब बताइए पार्टी ने JNU से इनको टिकट दिया, क्या खूब बोलती है, जबरदस्त बोलती है। इसमें हमको लगता है कि सब लोग, हम लोग तो JNU का भाषण भी हम लोग सुनते थे, जब JNU में चुनाव होता था तो प्रेसिडेंशियल जब डिबेट होता था तब हम लोग सुनते थे। अब हमारे साथ राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा कांति सिंह जी हैं, हमारी अभिभावक के तौर पे हैं, बचपन से हम लोग देखते आ रहे, केंद्रीय मंत्री रही हैं, और आज उनका जन्मदिन है तो खास मौका है, तो हम इनको जन्मदिन का बधाई जो है अपने अपने पिता, अपने परिवार और पार्टी के सभी लोगों की तरफ से कांति सिंह जी को शुभकामनाएं देते हैं, और लंबी इनकी आयु हो, स्वस्थ रहे और इनका आशीर्वाद जो है सब पर रहे, ये हमारी कामना है। तो केक जो है केक काट करके अब हम अलविदा लेंगे, क्योंकि वहाँ महिला विधायक जो है इंतजार कर रही है, 2 बजे से वहाँ शुरू है, तो सभी
प्रदेश महिला अध्यक्षा को और उनके सहयोगी जितनी भी महिला पदाधिकारी है सबको हम धन्यवाद देते हैं और आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद देते हैं कि आप लोग यहाँ इस खास मौके पर पार्टी दफ्तर आई हैं, हमें बोलने का मौका मिला, आप लोग हमारी बातों को गंभीरता से सुनी है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पुनः आप लोगों को बधाई देते हुए अपने बातों को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। बाद में जिले का नहीं पड़ेगा।